हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि आज बिहार आईटीआई का परीक्षा था, तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो बोल रहे हैं, सर आज का पेपर का लेवल काफ़ी इजी था, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो यदि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया होगा तो आप लोगों ने ज़रूर अच्छा किया होगा, है ना। तो चलिए, मुझे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा मिले हैं तो मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ कि किस क्वेश्चंस का आंसर क्या था। तो सबसे पहले, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई रिगार्डिंग सभी तरह का अपडेट्स दिया जाता है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस का लेवल तो काफ़ी बोले हैं और बहुत से स्टूडेंट मुझे कुछ क्वेश्चंस भी भेजे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग को भी जो जो क्वेश्चंस याद है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विथ रितेश, वहां पर ज्वाइन करके आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, मैं उसका आंसर जो है बताऊंगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है ना, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा, ठीक है, मीथेन हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा था कि पानी के अंदर बुलबुला जो है वो किस लेंस के भांति कार्य करता है। तो बताइए किस लेंस के भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। यदि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया होगा तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे, है ना। चलिए, अब क्वेश्चंस पूछा था कि पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी, यानी पहली महिला जो केंद्रीय मंत्री बनी थी कौन बनी थी जी, तो राजकुमारी अमृता कौर, है ना। यानी आप लोगों ने राजकुमारी अमृता कौर आंसर दिया होगा, तो आप लोग सही हैं, ठीक है। अब कोसा समाज के संस्थापक कौन थे, ये सब क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। यदि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया होगा तो आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया होगा एग्जाम में। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और मैं आपको ये भी बताया था, देखिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और ये भी बताया था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी। समझ में आया। अब यदि आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो क्या है, तो गुलाब का फूल है, है ना, क्या है, गुलाब का फूल है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया भारतीय, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, तो अशोक स्तंभ है, है ना, अशोक स्तंभ है। उसी तरह यूके का जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो है, यूके का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, तो गुलाब का फूल है। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, बताइए, ये सब कितना इजी क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के बारे में पूछा था कि तो कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यदि आप लोगों ने 1906 आंसर किया है, देन आप लोग सही है। तो गाइज, अभी तक मुझे इतना ही क्वेश्चन, यदि आप लोग के पास क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चंस याद है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए आपको 8809802288, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस आप लोग भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को सॉल्यूशन बता दूंगा। 8809802288, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस भेज दीजिए, मैं फिर से एक वीडियो आप तक लाऊंगा।